असली की मारा बाटन, असली की मारा बाटन, असली की जगदमा ने कहू बाटन जी थे तो लागो बाटन कोई असली की मारा कोई गांवड़िया गांव मुआयोड़ा हो कोई डांड दी मुआयोड़ा हो लागो थे तो लागो बाटन असली की मारा अरे मारे नौकर से थे घूंघट किए सारी हो रहा आ घूंघट ही काटनो तो राज दरबार के मायने सबो मोटा मेहा राजा मांगन तो कोई दादा कन पोती रेवे जी खुले मुंडे ही और मारे नौकरों ते घूंघटो काटियो एसो कारण काई बताओ जड़ मां जगदम्बा कह राजा थे तो लागो मन कायर थे तो लागो कि मिनके के ढोलो डरबाड़ा और ओ जगदेव है जो को मन मोटो दानी लाग्यो रा तो राजा केवे जगदेव तन कटिनो दानी लाग्यो ओ तो खुद ही मारे नौकरी करे और इकन का ही शाम करी है जो ओ तन दानी लाग्यो तो जिन टेम जगदेव मां जगदमा ने केवे बाटन जी आपके कोई दान दक्षिणा हाथ आवे ही जगिने क्यों घुमाओ
हूं तो खुद राजा के नौकरी करूं और मारी अति क्षमता कोनी जो को मैं राजा हूं वो तो दान कर दियो। मां जगदम्बा कहे नहीं जगदेव तू मने हगलो दान नहीं लागे मोटो मोटो तने राजा जेचन कहे एक काम करो बाटन जी पहली थे जगदेवा को दान दिया हो और बी के बाद के मायने जगदेव एक दान देवे तो हूं चौकनु दान देऊंगा। पहली थे जगदेव को लियो तो जगदेव बोले मां केने शक्ति सारू भक्ति या करे और जति शक्ति हुए उतो ही दान या करे। कोई की 10 रुपया की हैसियत हुए, कोई की 50 रुपया की हुए, कोई की 100 रुपया की हुए, कोई की 1000 रुपया की हुए, जैसी शक्ति हुए इतो ही दान या करे। के मां ऐसी बात नहीं, जति मारी क्षमता है जितो मैं भी दान कर सकू, तने खाली हाथ नहीं काटू। पण हे मां आप दान मांगो पण दान मार्गन कोई वस्तु है भाई आप मांगो, अगर मार्गन है ही कोनी और वह वस्तु अगर थे मांगो तो मैं कोई कनु मांग और भीख मांग और धन दान कर पालो हूं कोनी, क्योंकि मारे भी राजपूत घरना कमाई ने दाग लागे। तो मां जगदम्बा कह रहे देख जगदेव थारकन वस्तु है भाई मैं वस्तु मांगू नहीं, पण देख तू पहली मन वचन दे। जगदेव बोले मां हरे मारे बीच के महीने वचन है और आप मांगो एर मारकन हुई जगी चीज था ना देवा हाजर कर नटन जन मा जगदमा जगदेव को कहीं मांगे अरे शीश तो दिया से वो राजा वो जेते निहारे जगदेव जेते निहारे राजा जेते निहारे जगदम्बा जगदेव ने केरे देख जगदेव रुपया पीसा टका धन दौलत इयान की देवे तो राजा कने कोई बात की कमी कोनी, भंडारा भरिया है। तो के मां काई इच्छा है जन मां जगदम्बा केवे देख जगदेव शीश दिया से राजा जेसन हारे
तू मन शीश को दान दे दियो रा। क्या देख तू थारो शीश है ना और मन गाट और मन भेट कर दे। जन राजा जेचन है जो हार जाए तो जगदेव के मां मारे शीश अगर थारी थंगी जीत हुए तो मारो शीश है जो आपरे वास्ते हाजर है। आप मांडो जोली और फट देख तो उतारो। मां जगदम्बा मन के मन विचार करियो आप ही को शीश उतार देवा तो इकी ओ इयन को खुद है तो कि रानिया इयन की सत्यवादी है और बे रानिया है कि अपन शराब दे दे। तो मां जगदम्बा कह रहे जगदेव मैं इयन माता को लूं कहतो थारा मेल के मायने जा और थे धनी लुगाई राजी बाजी होई और थारी पत्नी मां तो उतार देवे और मन भेंट करे जन में माता ले मुझे कोई मैं माता उतार दी थोड़ी फिर तो पत्नियों को नाम लियो तो जगदेव बटे मोड़ो पड़ गो। मन के मायने विचार करियो आपा तो अपनो कांटा मां तो हाजिर कर दियो पण बे पत्नियों कांटा अपनी बात राखी कांटा कौन राख। जिन टेम जगदेव उदास सूरत ले और जिन टेम मेल के मायने पधारे उदास पति की सूरत देखो रानिया के में ओ राजा चल में ला गयो जीव रानी पूती बात रामा रानी पूती मात की जय हो। बोलो भेरू जी महाराज की जय हो। राजा चल मेला गयो रानिया पूछी बात ए पिया चांद सो मुकड़ो पिया किया हुई है अंधेरी रात। ए राजा रोजी ना वो जने तो आपको चेहरो जी टूब लाइट पलके जो पलपलाट करतो और आज जिमनी का मैंने टोटा। राजा चल मेला गयो रानिया पूछी बात किस विद मुख पानी ढुलियो किया हुयो कुमलायो हे वो बात। ए राजा पूरो आपको शरीर है जो कोई कुमलायड़ो है ऐसी बात कहीं है कहीं धंगे दुख लागियो है आ बात बताओ। तो राजा तो जिन टेम जगदेव बोले रानिया ने के देखो रानिया ने मारो मातो है जो को दान के मायने दिया यू मन माता को की गम नहीं है पन थे नड़गे जो मती। तो जिन देव रानिया बोले कि हे पति देव आप कड़े रावणा के मायने
कोई भांग आंग तो नहीं पी लियो, कटे अमल की कहां करी नहीं ले लियो, ए माता अतालीर बाताइयान की मांगन मत गिरिया करो क्यों। हकीकत के मायने में मारो मातो है जो दान के मायने दिया यो। और तू खांडो ले रहा, जल्दी खांडो ले रहा और मारो मातो उतार बाटन में अर्पण कर। रानी बोले राजा कोई बाड़ी के मायने गोभी को फूल थोड़ी जानो, कोई बाड़ी के मायने गोभी को फूल थोड़ी जानो, जो जब दे तो काट राजा लियो। ए पति का माता मारू तो कोई आज उतरे न कोई, ए राजा मैं हूं तो इनको काम हुए को नहीं। तो बेरानिया पूछे राजा इन को कहीं घाटो लगो जो को ते मातो ही दान में दिए या, दो आता दो ही पगा दो ही कांदड़ा आगे मैंने एक वस्तु कुंसी दिया था तो राजा मामलो पार पड़ जाता। ए मातो दिया बचे तो लारे की बचे ही को नहीं, ए राजा मातो देर कहीं कोई झुंझार बनो। तो जिन टेम जगदेव है जो रानिया ने हम जावे कि देखो रानिया शबदा मारा मर गया वे शबदा छोड़ दियो राज, जो जो शब्द पिचानिया जी वारा सरिया काज, के शब्दा मारिया मर गया शब्दा छोड़ दिया राज, जो जो शब्द पिछाणिया भाई वहां का सरिया काज। रानी ने के रानी देख इन धरती माते गणेश सती सूरमा या कई अवतारी पुरुष या जने जगदेव कहीं कहे ओ मंगल भवनिया ए मंगल हारी प्रभु घर दशरथ यजरे
ओलंबी मात की जय हो, भगतोर भगवान की जय हो। तो जगदेव राणिया ने हम जावे राणिया मंगल भवन मंगल हारी प्रभु गर दशरथ अजर बियारी के रामचंद्र जी अयोध्या के मैंने उतार लियो राजा दशरथ जी रे घरे और बचना के खातर 14 वर्ष को वनवास भुगत्यो। वे तो गण ही भगवान वे चाहता ने तो 5 मिनट के मैंने नगरी बसा सका पर बचना के खातर 14 वर्ष वनवास के मायने लीडा और के रघुकुल रीत सदा चली आए प्राण जाय पर बचन नहीं जावना के रानी परणा की कोई कम नहीं पर बचन नहीं जावना। बचना के खातर राजा हरिचंद्र अपना राजपाट है जगह दान के मायने दे दिया तीनों प्राणी रानी और कंवर तीनों है जका बिग्गा खुद पंगी के घरे नौकरी करी। बचना के खातर राजा मोर दे जेका एक औलाद ही जगने चीर और सिंगरी अर्पण कर दी। तो हे रानी हूं तो मारो मातो ही तो दे रही हूं और रानी समय बर्बाद मती कर और मारो वचन है जको तू पूरो कर। तो रानी बजर की छाती कर और जगदेव को शीश है जो को उतार और बाटन जी ने अर्पण करेगी। लो बाटन जी आपको दान। तो माँ जगदम्बा के मुंडा निकल जाके बेटी तेरो चूड़ो चूनरी अमर जी अमर को नाम लियो तेने जगदेव की पत्नी के में माँ आप चूड़ो चूनरी तो आप थाली रे मायने ले जाओ पचो चूड़ो चूनरी अमर रेवे लाखिया। तो माँ जगदम्बा एक थाली के पर्दे ओटे कर और जगदेव को शीश है जो को ले जावे। तो राजा जेचन पहली ईश्वर लाग जा आंद्रो ईश्वर लाग जाओ के मन तो पहली टाओ के जगदेव कहीं दान कर बालो ढाई तीन कला आका गाल दिया वाला एक आदो कोई बेश दे दी हो लो यूं बत्ती जगदेव की औकात को नहीं। मां जगदम्बा केवरे राजा जो जगदेव दान दियो ने तू तारी सात पीढ़ियों में नहीं दे सकते। हाँ जन क्यों जगदेवियन को कहीं दान दियो मन दिखाओ तो हीरो माँ जगदम्बा की थाली को पर्दो डोडो करे थाली को पर्दो डोडो करे तो मैंने जगदेव को शीश खड़खड़ाहट कर दो। राजा की आंखें हैं जबकि ट्यूबलाइट जुबे जी जुबड़ी रहेगी बाको बाट को एरापा है जबकि गुदीगन जबल आ गई। राजा कहे आप जगदेव को शीश लिए के हाँ मैं जबरदस्ती कौन ले रही बीकी की रानिया खुद जगदेव राजी बाजी है जो मन दान के मायने दिनों है खुद उतार। अब जगदेव तो आपको मां तो दे दियो इर थका कोल वचन करेड़ा के चौकनो दान दे अब मैं चार माता थे ले रहा हूं। जन राजा कहे मां के घर के मायने चार ही तूतरा चारू थाने माता दे देवा जनपद मंगलारी राजभाट को पाई हुई। तो जिन टेम राजा कहे के आदमी को तो बोल और गाड़ी को पेड़ो फिर तो ही भलो मांगे कोई पिकिस थोड़ी करी नहीं थाने चार माता दे हुई। जन मां जगदम्बा कहे राजा मैं कोई माता की भूखी थोड़ी। तो जिन टेम माँ जगदम्बा है जो राजा ने कहे दानी गणो जगदेव राजा उनको ही तन माले तन गणेरो राजा परदान तान में कंगाल है। माँ जगदम्बा के वे दानी गणो जगदेव राजा उनको ही तन माल है दन गणेरो थारगन अपन प्रदान में कंगाल है। बडेरा के कावते का दांत है जड़े छिना कोनी छिना है जड़े दांत कोनी। आदमी ने धन दे दे तो नीति कौन देवे और नीति दे दे तो धन कौन देवे कमार गाबा जिसो डाके कि राजा में कोई शीश की भूखी नहीं मैं तो थरो सत जागन वास्ते आयो तू कतोक सतवादी है और तू कतोक शक्ति है। तो मां जगदम्बा राजा जयचंद को सत देख और पांचों
भेरू को हट पूरो कर और पाचो शीश ने जोड़वा लागे धड़के। जना जगदेव को शीश बोले माँ ओ मारो शीश नहीं जुड़ेला, क्योंकि मैं दान दियो और दान दियो मैं वापिस ले जन तो मैं दानी कटूंगी। तो जगदेव को शीश नहीं जुड़े तो बाबी सगत भवानी है कहने शक्ति आदमी बूढ़ो हो जाए उठी जो बैठी जो भाई हम तो शक्ति कौन थे। तो शक्ति एक सत को नारियल बनाई और जगदेव ने जीवन दान देवे और अमर बाता मड़ावे बोलंबे मात की दानी जगदेव पवार की भेरू जी महाराज की। ओ जी ऊंचा बा कर परे ता को बेटनो ओ जगतंबे यंबे मा हरी पगयारी।
साहब, ये आज का प्रोग्राम गोगोर और ये मीठी मीठी मधुर आवाज श्री बालाजी सवंड बेसरोली ऑपरेटर जोराराम सबुलपुर निवासी ढोलक वादक आशु भाई मानवा निवासी और हमारे सहयोग में बेगाराम जी बूरसू और आपने भजन सुनावे पद्माराम देश बोली और रिकॉर्डिंग करे राधा स्वामी स्टूडियो दाता निवासी बहुत बहुत धन्यवाद बेगाराम जी दाता बोलम्बे माटकी जय हो।